दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे कमाल कैमरा है वो हमारे पास है, हमारी आंखें। मतलब यहां पे क्या कमाल डायनेमिक रेंज है, क्या कमाल हमको भैया मिल जाता है ऐसा पूरा वाइड एंगल व्यू। बट ये चलता है एक लाइव स्ट्रीम की तरह, यहां पे ना हम ऐसे रिवाइंड रिप्ले नहीं कर सकते। इसके लिए हमें चाहिए होते हैं ऐसे कैमराज, और अगर कैमरा सोनी का हो तो भैया देखो मजा बहुत ज्यादा आता है। ये हमारे पास में फिलहाल सोनी का ZV-E10 इंटरचेंजेबल लेंस वाला एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सा व्लॉगिंग कैमरा। तो यार देखो पॉसिबिलिटीज जो हैं वो एंडलेस हो जाती हैं। आपको सिर्फ इसको संभाल के नहीं रखना है, इसको आप पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं। जहां पे ये आ गए हैं कुछ बहुत ही कमाल नए नए सोनी के लेंसेज कैमरा के लिए। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको दिखाता हूं क्या कमाल आप कैप्चर कर पाएंगे इस कैमरा और इन लेंसेज के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो तीनों लेंसेज हमारे पास में आ गए हैं, और मतलब क्या हम कलाकारियां करने वाले हैं ना। यहाँ पे अगर आपको बताऊं पहले लेंसेज के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास में है ये, और ये एक बहुत ही वर्सेटाइल लेंस होने वाला है। जहां पे दोस्तों ये है एक जी लेंस सोनी की तरफ से, और ये आता है 10-20 mm फोकल लेंथ के साथ में, और F4 इसका अपर्चर है। मजे की बात कि यहां पे ना आपको मोटराइज्ड जूम का ऑप्शन भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं मतलब नो आपको वो एकदम स्मूथ मोटराइज्ड जूम का पूरा मजा मिलेगा इस लेंस के साथ में। बाकी दोस्तों यहां पे ऑफकोर्स आपको जो ऊपर एक रिंग मिल जाती है इसका एडजस्ट करने के लिए जूम, अगर आप चाहते हैं मैनुअल एडजस्ट करना। साथ में हमारे पास में एक फोकस रिंग भी है, और बाकी सामने इसकी जो ओपनिंग है वो है 62 mm की। और जो बिल्ड क्वालिटी है लेंस की वो डेफिनेटली यार देखो काफी सॉलिड और काफी कॉम्पैक्ट है। बिकॉज अगेन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो लेंसेज हैं ये आपको लगाने हैं इस कैमरा के साथ में। अब जब कैमरा ऑलरेडी आपको इतना छोटा मिल रहा है, तो इसके साथ में अगर आप कोई बल्की लेंस लगाएंगे तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो तीनों लेंसेज बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। तो सबसे पहले यह आ गया सोनी का ही 10-20। उसके बाद में अगर आगे बढ़े तो हमारे पास दोस्तों ये लेंस है, और ये है एक 11 mm का लेंस, प्राइम लेंस है, लेकिन ये आता है 1.8 एपर्चर के साथ में। तो आपको वो जो बहुत ही कमाल की एकदम ऐसा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का पूरा मजा मिलेगा, वो एक अच्छी बात है। साथ में लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे इसके अंदर ज़्यादा कुछ आपको बटन्स वगैरह कुछ ज़्यादा वो नहीं है टेंशन, केवल एक फोकस रिंग है आपके पास में, ऑप्शन है साइड बटन का है, ऑटो फोकस मैनुअल फोकस आप इसे चेंज कर सकते हैं। 55 mm का आपको सामने से डायल मिल जाएगा, और ये भी अगेन डिपेंडिंग कि आप क्या कैप्चर करना चाहते हैं आपके पर्सपेक्टिव को अच्छे से दिखा सकते हैं, लेकिन इसको पीछे दिखाना बहुत जरूरी है बिकॉज स्प्रिंग लोडेड इसका मैकेनिज्म है। और फिर ये एक लेंस है यार 15 mm वाला 1.4 लेंस, और ये भी अगेन दोस्तों एक जी लेंस है। आपको यहां पे सबसे पहले दोस्तों ऊपर ये जो मिल जाती है एक रिंग, यहां पे आप क्लियरली एपर्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहां पे आपके पास में ऑप्शन है कि आपको स्मूथ ऑपरेशन चाहिए या फिर आपको ये क्लिक वाला सिस्टम चाहिए। बाकी यहाँ पे दोस्तों अगेन हमारे पास में एक फोकस रिंग है और F1.4, यानी कि क्या कमाल आपको मिलेगा, बिल्कुल एकदम ऐसा भयंकर वाला पीछे की सारी दुनिया को ब्लर करने वाला इफेक्ट, और लो लाइट परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। तो ये है 15 mm साइज में। मतलब एक बात कंफर्म है गाइस कि कोई भी कैमरा प्रो कैमरा तभी बनता है जब आपको उसके अंदर मिल जाए कंप्लीट मैनुअल कंट्रोल, और साथ में लेंसेज को चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी कि आप जब चाहें लेंस हटाएं। और वैसे यार देखो ना क्या कमाल इंजीनियरिंग है यहाँ पे, आपको जो पूरा ये मिररलेस मैकेनिज्म मिल जाता है सोनी का। तो यहाँ पे अभी मैं इसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले एक बार इसी से रिकॉर्ड करते हैं और बाद में देखते हैं ये सब आपको क्या इफेक्ट देंगे। तो वैसे देखो ये जो वीडियो बन रहा है ये बन रहा है फिलहाल अभी इसके स्टॉक किट लेंस से, जो कि है 1650 वाला, और यहाँ पे ये आता है 3.5 अपर्चर के साथ में, और ये जाता है अप टू 5.6 डिपेंडिंग कि आप कितना जूम करते हैं। अगर मैं जूम करूँ, इतना जूम हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, ये यहाँ तक जाते हैं, आपको इतना जूम मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें व्लॉगिंग की, तो आपको चाहिए अक्सर वाइड एंगल, और वाइड ये देखो इससे वाइड जा नहीं पाएगा। अब हम ट्राई करेंगे हमारे बाकी वाले लेंसेज, वो बहुत कमाल इफेक्ट देंगे। हम स्टार्ट करते हैं 10-20 से।
तो गाइज ये अभी आप देख रहे हैं 10 mm पे और ये बहुत ज्यादा वाइड है, आपको क्लियरली दिख रहा है। और अगर मैं इसमें जूम करता हूं, अगर मैं इसको जाता हूं लेके सीधा 15, 18, 20, तो दिस इज द यू नो मैक्स जूम। आपको यहां पे भी काफी कुछ आपको अच्छे से यू नो मतलब एक क्लियर 1% टाइप का इफेक्ट मिल रहा है। और अगर आप जाएं पूरा वाइड तो इसमें तो फ्रेम में आप कितने लोग इकट्ठा कर सकते हैं भाई। मतलब ये ऐसा है कि आपने बस एक बार हाथ अपना फैला लिया तो पूरी दुनिया आप दिखा सकते हैं इस लेंस पे, इतना ज्यादा आपको पूरा वाइड इफेक्ट मिलता है। मतलब इस 11 mm 1.8 के साथ में डेफिनेटली जो ये बैकग्राउंड ब्लर फिलहाल मिल रहा है ना यार, ये ज्यादा ही मतलब आपको ना वो सॉफ्ट इफेक्ट दे रहा है, बिकॉज ये एक 1.8 एपर्चर लेंस है। अब मैं ट्राई करता हूं ये 15 mm वाला 1.4, इसका मजा और ज्यादा आने वाला है ऐसा मुझे लगता है भाई। ये एक फिक्स वाला लेंस है, यहां पे अगेन आप 11 mm से बढ़ के 15 में पहुंच गए हैं, लेकिन जो एपर्चर 1.4 हुआ है वो डेफिनेटली विजिबल है। अगर आप देखते हैं पीछे तो आपको ज्यादा जो है वो पीछे ब्लर ही मिलेगा, ऑल्दो हल्का सा टाइट हो गया है बिकॉज हम 15 में पहुंच गए, बट स्टिल इट्स वेरी गुड फॉर व्लॉगिंग, मतलब आपको डेफिनेटली मजा आ जाएगा। अब आप देखो एक एक करके जो कुछ रिकॉर्डिंग्स हमने कोशिश करके यू नो बनाया है आपके लिए कंपाइलेशन इन तीनों लेंस को यूज करते हुए, तो ये फिलहाल आपके सामने है। आपको एकदम ऐसा वाइड इफेक्ट मिल रहा है, काफी यू नो पूरा एकदम सिनेमैटिक जो मजा मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। तो एंजॉय और थोड़ा सा एक बार एनालाइज करो और मुझे बताओ नीचे कमेंट करते हुए कि आपका फेवरेट लेंस इन तीनों में से कौन सा लगता है आपको। तो गाइस देखो अब आप बात करोगे मुद्दे की कि भैया सारी बातें ठीक है, सिनेमैटिक शॉट्स बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये लेंसेज कितने के हैं। तो यार देखो देखो अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऊपर जाता है, तो जो चीपेस्ट है गाइस वो है ये 11 mm वाला 1.8 वाला ये लेंस, और इसकी प्राइस है 49,990 rupees। अगर हम बात करते हैं इन दोनों बाकी लेंसेज की जो कि हैं 10-20 f/4 या फिर 15 1.4, जो कि दोनों दोस्तों जी लेंसेज हैं, इनकी जो प्राइस है वो एकदम बराबर रखिए, सोनी ने बोला कि एकदम बराबर करेंगे 70,990 rupees। तो डेफिनेटली यार देखो अगर हम बात करते हैं ना एक गुड क्वालिटी ग्लास की तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिलहाल जिन कैमरा और जिन लेंसेज पे हम शूट कर रहे हैं, आपने देखा था ना व्लॉग 32 लाख की कैमरा शॉपिंग का व्लॉग, तो वो यू नो प्राइस तो लगेगी बट जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली बहुत कमाल है। और अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं ऑन द गो, अगर आपको इतना छोटा फॉर्म फैक्टर चाहिए कि आपने बस यहीं से बस फ्लिप स्क्रीन किया वीडियो बनाया, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन होगा। बाकी अगर आप दीजिए अपना प्यार वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, और बताइए मुझे कि आप क्या इनमें से चूज करेंगे, और अगर करेंगे तो व्लॉग पहला कहाँ का बनाएंगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।